गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती एवं छोटी गंडक नदियों पर बने पुलों पर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए। गोरखपुरा सुरक्षित एवं संरक्षित ट्रेन संचालन रेलवे की पहली प्राथमिकता है। इसे सुदृढ़ करने के लिए सतत सुधार एवं आधुनिक तकनीकी का समावेश किया जाता है। बरसात के इस मौसम में महत्वपूर्ण पुलों पर नदियों का जलस्तर मापने के लिए इजतनगर मंडल के गंगा, यमुना एवं देहवा नदियों पर लखनऊ मंडल के घाघरा, राप्ती, घाघरा, शारदा, बबई, सरयू, ककरा एवं रोहिन नदियों पर तथा वाराणसी मंडल के गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती एवं छोटी गंडक नदियों पर बने पुलों पर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इस सिस्टम से जल स्तर की जानकारी ऑटोमेटिक SMS के माध्यम से संबंधित अधिकारी को प्राप्त होती है। मानसून के दौरान नदियों के जलस्तर की निगरानी हेतु पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न खंडों पर स्थित 18 महत्वपूर्ण पुलों पर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें औनिहार वाराणसी खंड के मध्य गोमती नदी पर बने पुल संख्या 137, वाराणसी प्रयागराज के मध्य गंगा नदी पर बने पुल संख्या 111, सलेमपुर इंदारा के मध्य घाघरा नदी पर बने पुल संख्या 31, छपरा फेफना के मध्य घाघरा नदी पर बने पुल संख्या 16, नरकटियागंज कप्तानगंज के मध्य गंडक नदी पर बने पुल संख्या 50, सीवान भटनी के मध्य छोटी गंडक नदी पर बने पुल संख्या 119, इजतनगर कासगंज के मध्य कछला गंगा नदी पर बने पुल संख्या 409, लालकुआ काशीपुर के मध्य कोसी नदी पर बने पुल संख्या 104, पीलीभीत भोजीपुरा के मध्य देवहा नदी पर बने पुल संख्या 270, कासगंज मथुरा के मध्य यमुना नदी पर बने पुल संख्या 554, बरनी गोंडा के मध्य घाघरा नदी पर बने पुल संख्या 151, मनकापुर अयोध्या धाम के मध्य सरयू नदी पर बने पुल संख्या 18, गोरखपुर मनकापुर के मध्य ककरा नदी पर बने पुल संख्या 182 एवं राप्ती नदी पर बने पुल संख्या 184, गोरखपुर आनंदगंगा के मध्य रोहिन नदी बने पुल संख्या 04, नानपारा ददवा के मध्य बबई नदी पर बने पुल संख्या 55 एवं ददवा मैलानी के मध्य शारदा काशीपुर लालकुआ के मध्य पुल संख्या 104 पर स्थापित वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम। नदी पर बने पुल संख्या 97 तथा गोंडा गुरवल के मध्य बने पुल संख्या 391 सम्मिलित है। आधुनिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम के लग जाने से नदियों पर बने रेल पुलों पर वाटर लेवल की सूचना मिलना आसान हो गया है। इस सिस्टम में सोलर पैनल से जुड़ा एक सेंसर होता है, जिसमें एक चिप भी लगी होती है। ये सेंसर ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा होता है। प्रतिदिन नियमित अंतराल पर नदियों के जलस्तर की जानकारी संबंधित सहायक मंडल इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर कार्य एवं सेक्शन इंजीनियर रेल पथ के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाती है। फलस्वरूप समय से नदी के जलस्तर की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही कर रेल पथ को संरक्षित करना आसान हो जाता है। रेल प्रशासन नित नई तकनीकियों के समावेश से निरंतर संरक्षा सुधार के पथ पर अग्रसर है।